इसके पिछले पैर देख रहे हो अभी भी यहाँ पर हैं, ये ज़्यादातर और पीछे होकर गोबर में चले जाते हैं, जिसमें हमें डर ये है कि खुदा ना खास्ता इसको कोई खुर वुर की बीमारी ना हो जाए। तो ये देख रहे हो कितना सा डिस्टेंस है, और ये अभी भी मैंने इसको आगे किया है, ये पीछे आता रहता है। अब देखो ये आ गया गेट पर, अब गेट में कोई कैसे जा सकता है, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज वजील, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सबसे पहले मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा आप सबको, अपने ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर को, क्योंकि भाई मैंने कल ब्लॉग में बोला था कि भाई एक दिन में मेरा एम है कि मेरी वीडियो पे 5000 व्यूज़ और 500 लाइक्स आ जाने चाहिए, और विद इन अ 17 आवर्स अभी मेरे चैनल पर 5000+ व्यूज़ हैं और 500+ वो हैं लाइक्स। तो थैंक यू सो मच के वक्त से पहले आपने ये अचीव करवा दिया। आज की वीडियोस पे हम अभी इस वाली वीडियो पे रखेंगे 2000 व्यूज़ और 200 लाइक्स, जो कि आप लोगों को पूरा करने हैं विद इन अ डे। तो हरी अप, अगर अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, फिर लाइक करो, शेयर करो, और साथ साथ वीडियो एंड तक देखना। तो सीन अभी ये हुआ है कि कल हम बछड़ा लेकर आए थे, बहुत सारे लोग मुझे बछड़ा बोल रहे थे, अदील भाई आपने कितने तक का बछड़ा लिया है, आपने बताया नहीं है, जबकि वीडियो में मैंने तकरीबन 2 मिनट यही बताया है कि अब इतने मांग रहा है हमने इतने लगा दिया, अब वो इतने मांग रहा है हमने इतने लगा दिए। लेकिन लोग जो स्किप करते हैं, यही वजह होती है कि मैं बोलता हूँ कि वीडियो एंड तक देखो, पूरी देखो, फिर कमेंट करो कि हाँ यार अदील भाई आपने रेट नहीं बताया। फिर भी मैं रेट बता देता हूँ, 3,67,000 का ये बछड़ा हमें पड़ा है, 2,000 रुपये हमने वहाँ पे मिठाई के दिए थे, और 1,000 रुपये हमने एक बच्चे को दिए थे जिसने इसको बहुत पाला है, संभाला है। तो तकरीबन 3,000 रुपये हमने उसको ऐसे ही वहाँ बांटे थे अली भाई ने, और 3,67,000 का हमने लिया था। तो देखा जाए तो 3,70,000 रुपये का ये हमें बछड़ा पड़ गया। ये जो 3,70,000 बना है, तो इसमें से 3,70,000 में से 3,000 तो मिठाई के थे, इसलिए मैंने वो काउंट नहीं किए, क्योंकि इस तरह तो गाड़ी का एक्सपेंस भी काउंट होगा, फिर इस तरह तो कसाई का भी काउंट होना चाहिए। सही मेरी जान, जितने हमने कसाई के हाथ में दिए वो 3,67,000 थे, वो चाह रहा था 3,75,000 में बेचे, लेकिन हमने 3,67,000 में बछड़ा डन कर दिया है। अब सीन ये कि बछड़े को देना है खाना। अच्छा, खाना उसका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उसने बोला है कि इसको भूसा ना बाल्टी में पानी में डिबो के देना, ताकि उससे जितनी भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी, भूसा अच्छे से पानी सोख कर लेगा। इसके अलावा इसने बोला था मुझे चने की अट्टी, और मुझे इसने गंदम का शायद दलिया वलिया बोला था कि जो इसको मिक्स करके हम देना है। अच्छा, चने की अट्टी और गंदम का दलिया हम अभी मिक्स नहीं कर रहे, क्योंकि अभी बड़े भाई ने बोला है कि इसको डायरेक्ट इतनी जो हाई वाली है डोज मत दो, अभी अभी ये घर पे आया, इसको नॉर्मल भूसा और भूसी ज़्यादा डालो ताकि ये खाए। तो अभी इसका चारा बनाना है, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेरे बछड़े के साथ बैड सीन क्या हुआ है। ये भूसा हमने इसको मिक्स करा हुआ है अच्छे तरीके से, सही है, इसमें हमने पानी भरपूर मिलाया हुआ है ताकि ये प्योर हो जाए। इसके अलावा ये है भूसी जो कि हम डालेंगे, और चारा वगैरह यहाँ पे इसका सारा रखा हुआ है। तो अभी ये इसमें डाल के इसको चारा देते हैं, उसके बाद ये भूसी भी मिलाएंगे। तो आज देखेंगे कि हम चारा कैसे बनाते हैं। यार मसला ये है कि हमारी जो वो रखी हुई है ना खोर, जिसमें जानवर खाना खाता है, तो अभी मुझे एक भाई बता रहे थे कि उनका बड़ा जानवर है हमारी तरह, तो कह रहे थे कि इसको ना अगर तुम नीचे जानवर को चारा रख के दोगे तो वो एफर्ट मारेगा, एफर्ट मार के उसके गर्दन में दर्द होएगा, जिसकी वजह से थकन से बुखार आ सकता है। तो कोशिश करो जितने भी बड़े जानवर हैं जिसके घर पर भी आते हैं, तो वो उसको बाकायदा लकड़ी की जो खोर बनती है ना, जिसमें जानवर रिलैक्स होकर खाता है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। हमारी खोर निकालने में इस बॉय ने हेल्प किया, थैंक यू सो मच भाई। अब इसको वॉश करेंगे, वॉश करने के लिए ज़रूरी है बाल्टी की, अब बाल्टी ढूंढने के बाद। तो भाई ये होती है खोर, सही है, इसमें जानवर सुकून से खाता है, उसको इतना स्ट्रेस नहीं पड़ता उसकी गर्दन पे। तो ये हो रही है बहुत गंदी, क्योंकि पिछले साल से रखी हुई, तो इसमें अभी जितने भी मकड़ी मकोड़े वगैरह है सब भगाने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए पानी की बाल्टी की ज़रूरत है, और पानी की बाल्टी टूट चुकी है। अब देखना है जो दूसरी बाल्टी है उसमें भूसा है, तीसरी बाल्टी अब लेकर आने पड़ेगी। जब तक पानी भर रहा है बाल्टी में, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दो, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, रोज़ ब्लॉग डालने में। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें। तो भाई ये साफ हो चुके हैं हमारी काफ़ी हद तक, और अब हम ये जो भूसा है हमारा, जो कि हमने 2 घंटे भिगो के रखा था, ये हम डालेंगे उसमें।
और फिर ये भूसी ऐड करेंगे। अब ये भूसी लेके जाएंगे, इसको मिक्स करनी है उसमें। चारा हमने बना लिया और चारा दे दिया है बछड़े, तो भाई चारा हमने बना लिया और चारा दे दिया बछड़े को। अब चलते हैं और बात बताता हूँ मैं कि इसके साथ क्या इश्यू हो रहा है और वो क्या है बात जो मैंने टाइटल में डाल दिया है कि मेरे बछड़े के साथ बैड सीन हो गया। तो चलो फिर बाहर चलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा हमारा सेटअप है, ठीक है, और जिस तरह स्पेस दिखते हो सारे जानवरों को काफ़ी स्पेस है, लेकिन हमारा जो बछड़ा खराब है ना, ये इसका सीन बताता हूँ। ये अभी भी बहुत अंदर खड़ा हुआ है, ये तकरीबन इस जगह पर आया था गेट पे जाने वाली लाइन पे और ये यहाँ पे पूरा आ नहीं रहा। रीज़न ये है कि इसके पिछले पैर देख रहे हो अभी भी यहाँ पर हैं, ये ज़्यादातर और पीछे होकर गोबर में चले जाते हैं, जिसमें हमें डर ये है कि खुदा ना खास्ता इसको कोई खुर वुर की बीमारी ना हो जाए, ठीक है। ये इसलिए मैंने इसको दी थी खोर कि इसमें ये एफर्टलेस खाएगा और ये माशाल्लाह खा रहा है। बछड़ा आप लोगों के सामने कैसा लग रहा है आप लोगों को? और अच्छा इंशाल्लाह लगना है आपको, क्योंकि मुझे पता है मैं चीज़ ऐसी लेकर आया हूँ, तो माशाल्लाह ज़रूर कमेंट कर देना। बाकी बछड़े की फेस ब्यूटी मैं आपको दिखाता हूँ। हैवी वेट बछड़ा है, कलर में भी धब्बा बछड़ा है, वाइट और ब्राउन में, बैक इसकी ऐसी है। और यार ये इशू ये है कि ये खड़ा नहीं हो पा रहा है सही से ना, ये जो बाकी गाय हैं वो गोबर कर रही हैं, ये भी गोबर कर रहा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ डालना पड़ता है और रोज़ सफाई करते हैं, लेकिन मसला वही है कि ये यहाँ पे आ नहीं पा रहा। और ये पूरा सेटअप ही मैंने इसलिए लगाया था कि ताकि मेरा बछड़ा सुकून से आए। अब एक सेटअप मैंने सामने लगाया है, अली हमज़ा जो दोस्त हैं उसके घर पर। ये सेटअप कुछ ऐसा है, दूर से दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ सीन ये है कि हमारा बछड़ा शायद यहाँ बने क्योंकि वहाँ पर वो आ नहीं रहा सही से। ये पूरा सेटअप है हमारे यहाँ का। आप में तो शायद बहुत से लोग बोलेंगे अदिल भाई ये कोई इतना बड़ा सीन नहीं कि बछड़े के पैर गोबर में जा रहे हैं, और अगर गोबर का इतना इशू है तो ये उठवा लें। तो ये रोज़ उठते हैं और ये रोज़ ही ऐसा कचरा हो जाता है और रोज़ ही हमें पैसे देना पड़ रहे हैं। तो अब ज़रा जो गली में बाकी लोग हैं हमारे जैसे मालिक मकान है, जैसे एक गाय ये है एक 70 की, एक ये एक 25 की, तो फैज़ान भाई से भी हम बोलेंगे फैज़ान भाई ये सफाई हमें रखना पड़ेगी क्योंकि बारिशें हैं और इससे मुँह खोर की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं इन गोबरों से जो उनके पैरों पर लग जाते हैं। तो ये देख रहे हो कितना सा डिस्टेंस है, और ये अभी भी मैंने इसको आगे किया है, ये पीछे आता रहता है। अब देखो ये आ गया गेट पे, अब गेट में कोई कैसे जा सकता है, ये देखो ये है वजह। अब ये इस तरफ आता है तो ये बछड़ा मारता है। थोड़ा इशू हो चुका है सेठ जी ये दो सब्सक्राइबर मुझे मिले और ये बोल रहे हैं भाई ब्लॉग में क्यों नहीं लेते। तुम्हारा नाम क्या है? यासिर। कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो? अच्छा, तुम्हारा उस दिन तुम नहीं आए थे, बड़ी शिकायत कर रहे थे ना भाई। ये दो बच्चे थे जो बोल रहे थे दिल भाई ब्लॉग को नहीं लेते। और कुछ कहना है आपको? आपका भी कुछ कहना है? हाँ, आपका नाम क्या है? अजान। अजान, अजान? आपको तो नाम पता ही है, हमें दाग और ये शेर। मेरा भी नाम पता है। गाय कैसी लगी आपको हमारी? अच्छी अच्छी या सिर्फ अच्छी या बहुत अच्छी? अच्छी अच्छी, वो जब देखे पीछे से देख रहे हैं, पीछे से देख। और आपको कैसी लगी भाई? बहुत। तुम शर्माते क्यों इतना? मुझे तो रेड के साथ बहुत। अच्छा, कल कौन सा नंबर पे लाइक किया था? सच्ची सच्ची बताना, कितने नंबर के बाद जब तुमने लाइक की थी वीडियो? लाइक कर दी थी। ये याद रखा करो कि किस नंबर पे किए। और आपको कुछ बोलना भाईजान? दोनों साइड में वही बिलर आ रहा है अब सही। अभी तुम्हें बोल रहा हूँ, आपका क्या नाम है? रोहान। कहाँ यहीं रहते हो आप? मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है अदिल व्लॉग्स, इसमें आप दिख जाओगे। तुम्हारा चैनल अभी बनेगा इंशाल्लाह, ईद के बाद बनेगा। तुम्हारा बना हुआ है? क्या खाया दोपहर में? क्या खाया था आज बता दो, शर्मा की रहे हो? क्या खाया तुमने? क्या खाया था सच्ची सच्ची? नाश्ता। दोपहर का खाना ही नहीं खाया? नहीं, तुमने क्या खाया? मैंने भी पुलाव खाया। कौन? तुमने क्या खाया? नाश्ता ही किया। चल झूठे तुम लोग, दोनों झूठे हो। तुम बताओ तुमने क्या खाया? मैंने भी तो मगा नाश्ता किया। चलो यहाँ से निकलो साले। इससे पूछ रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं। बजे किया? आपने क्या खाया दोपहर का? नाश्ता किया जब भी एक बजे। क्या खाया? हमने ब्रेड, मैं ब्रेड और एग खाया। उजाबियान आपने? मैंने भी नाश्ता किया।
नाश्ता किया है तुम लोग? दोपहर का खाना ही नहीं खा रहे तुम लोग? कैसे बच्चे हो गए यार तुम लोग? इसी तरह मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। सुबह 7 बजे इसको चारा देना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद 12 बजे इसको पानी पिलाना पड़ता है, उसके बाद शाम में इसको फिर चारा देना पड़ता है, और 2 टाइम बोला है, वैसे तो 3 टाइम कभी कभार जब ज़्यादा भूखा हो रहा है तो दे देता हूँ, वरना ज़्यादा नहीं देता क्योंकि अभी आए। तो आप लोगों के लिए भी यही मैसेज है मेरा कि कुर्बानी के जानवर का खास ख्याल रखें कि उसके खुर वगैरह गोबर में तो नहीं जा रहे, क्योंकि ये जो मौसम है इसमें मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं और गर्मी इतनी पड़ नहीं रही क्योंकि शेड हम लोग ज़्यादा डाल देते तरपाल वगैरह, तो इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह मेरा अभी उसके साथ जो सीन हो गया कि जैसे पूरा सेटअप बना लिया, लेकिन एक बात सोची नहीं कि जानवर इतने ज़्यादा कैसे बनेंगे इतने सेटअप में। और सबसे ज़्यादा तकलीफ ही मेरे जानवर को हो रही है क्योंकि कभी वो फर्श पे आ रहा है और कभी वो पीछे जा रहा है तो उसके पैरों में गोबर चिपक रहा है, तो अब मैं उसको कहीं और बांधूंगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की हमारी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे इसी तरह प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फ़ौरन कर दिएगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।